आज के समय में अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई सारी महिलाएं और लड़कियां गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन बहुत आसानी से और ज़्यादातर बिना डॉक्टर की सलाह के कर रही हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि इन गोलियों को खाने के कुछ फायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन गोलियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किन स्थितियों में गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे तो बाजार में कई तरीके की गर्भ निरोधक गोलियाँ मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर गर्भ निरोधक गोलियाँ दो तरीके की होती हैं। इनमें एस्ट्रोजेन और प्रोजोस्टेरोन हार्मोन होता है। इनमें से कुछ में सिर्फ प्रोजोस्टेरोन हार्मोन ही पाया जाता है। इन्हें मिनी पिल के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में दो तरीके की इमरजेंसी पिल उपलब्ध हैं, लेवोनोर जेस्ट्रल, इसे शारीरिक संबंध बनाने के 3 दिन के भीतर लेना होता है। दूसरी है यूलिप्रिस्टल एसीटेट, इसे शारीरिक संबंध करने के 5 दिन के अंदर लेना होता है। हालांकि डॉक्टर इसकी सलाह कम ही देते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के फायदे। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी माना जाता है। जिन महिलाओं को PCOS की समस्या होती है, इन महिलाओं को कुछ हार्मोनल परेशानी होती है, जिसके चलते डॉक्टर PCOS से पीड़ित महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां खाने की सलाह देते हैं। आप जब चाहें शारीरिक संबंध बना सकते हैं बिना किसी प्रेगनेंसी के डर के। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को डिसमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। इस दौरान अधिक रक्त स्त्राव की समस्या को मेनोरेजिया कहते हैं। गर्भ निरोधक गोली के इस्तेमाल से इन दोनों समस्याओं में राहत मिल सकती है। वहीं कुछ शोध में इस बात को नकारा भी गया है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के कारण ज़्यादा रक्त स्राव होता है, ऐसी महिलाओं में खून की कमी आ जाती है, जिसके चलते गर्भ निरोधक गोली का सेवन करने से अधिक रक्त स्राव को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जिससे महिलाओं में होने वाली खून की कमी से बचा जा सकता है और खून की कमी से होने वाले रोग एनीमिया से भी बचा जा सकता है। एक शोध के अनुसार महिलाओं में होने वाले रोग पेल्विक इंक्लेमेंट्री डिसीज से भी बचा जा सकता है। गर्भ निरोधक गोली खाने से इस बीमारी में काफी आराम मिलता है। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन हड्डियों के टिश्यू में खनिज की मात्रा बनाकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में भी फायदेमंद हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियाँ कैसे काम करती है। गर्भ निरोधक गोली के सेवन से आपके शरीर के अंदर ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो एग्स का उत्पादन भी नहीं होगा, और जब एग्स बनेंगे ही नहीं तो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होने का खतरा भी नहीं होगा। अगर इन गोलियों का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होती हैं। लेकिन यदि आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जब आप गोली लेना शुरू करती हैं तो पीरियड साइकिल के बीच आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। यह बाद में धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर अलग अलग लेवल्स के हार्मोन्स के साथ तालमेल बिठाना सीख रहा होता है। कई महिलाओं में पहली बार गोली लेने पर उल्टी या जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। हालांकि यह बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाती है, परंतु लंबे समय तक रहने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। गर्भ निरोधक गोली का एक नुकसान यह भी है कि आपको सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि यदि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली गर्भ निरोधक गोली का सेवन 6 से 12 महीने तक किया जाए तो आपका वजन बढ़ सकता है। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद हार्मोन्स की वजह से बहुत सी महिलाओं में सेक्स में कमी देखी गई है। हालांकि यह सबके साथ नहीं होता है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोली का सेवन करती हैं, उनकी आंखें ड्राई होना, आंख से पानी आना, आंखें लाल होने जैसी समस्या आने लगती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के ज़्यादा सेवन से डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। गर्भ निरोधक गोली के सेवन से स्तनों में सूजन और कठोरता का अनुभव किया जा सकता है। यह हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। याद रखें, यदि आप लीवर या दिल से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी की मरीज हैं या आप अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आप इन गोलियों का सेवन ना करें या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि करना भी हो तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग ज़्यादा वजन वाली महिलाओं को नहीं करना चाहिए।
करना भी हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल आपको पहले दिन के पीरियड से लेकर लगातार 21 दिन तक एक निश्चित समय पर लेना होता है। बाजार में गर्भ निरोधक गोली के कई सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। ज़्यादातर गर्भ निरोधक गोलियों में 28 या 21 गोलियां होती हैं, जो प्रतिदिन एक निश्चित समय पर एक गोली लेनी होती है। हमारी सलाह तो यह है कि आप रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद का समय निर्धारित करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गर्भ निरोधक गोली को खाने का समय का अंतराल 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक गोली आपको प्रतिदिन एक निश्चित समय पर जरूर खानी चाहिए। कहने का मतलब यह है, यदि आप एक गोली रोज एक निश्चित समय पर लेती हैं और यदि आप किसी दिन गोली खाना भूल जाती हैं तो आप अगले दिन दो गोली एक साथ ले सकती हैं और फिर अगले दिन से निश्चित समय पर फिर से एक गोली खाना शुरू कर दें। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिस दिन आप गोली खाना भूल जाएं और उस दिन यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप किसी विकल्प जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 दिन के अन्दर गोली का सेवन जरूर करें, अन्यथा आपको गर्भधारण हो सकता है। यहाँ कुछ विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं, यह बातें आप विशेष कर ध्यान रखिए। गर्भ निरोधक गोली को शारीरिक संबंध करने से पहले नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए और आपने असुरक्षित शारीरिक संबंध किया है तो शारीरिक संबंध करने के बाद कुछ घंटों के अंदर ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आप पहले से ही गर्भवती हैं तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ये गोली खाने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसे खाने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट जरूर जांच कर लें। 72 घंटों के अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद ये किसी काम की नहीं। असुरक्षित शारीरिक संबंध के बाद आप जितना देर करोगे इस गोली को खाने के लिए उतना ही गर्भ अवस्था का डर बना रहेगा, इसलिए 1 से 2 घंटे के अंदर ही इस गोली का प्रयोग करें। हमेशा इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपको मां बनने की क्षमता पर असर डाल सकता है। मतलब कि बार बार अपने गर्भ को रोकने की वजह से हो सकता है कि आप अपने मां बनने की क्षमता ही खो दें, इसलिए इस गोली का इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी दवाई का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए और किसी भी दवाई का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।